In this video, we will study about the different types of trophic movement in plant. In the last video, we have studied about the classification that there are five different types of the trophic movement. So, first of all, the trophic movement. Trophic movement is the movement of curvature. In response to external stimuli, and these type of movements are known as directional movements. Why they are known as directional? Because the plant part always move towards the stimulus, so they are known as the directional movement. Now, first movement in this trophic movement is phototrophic movement. Phototrophic movement is the movement of curvature, in response to light. Means अगर specific sunlight या artificial light plant के specific part को provide करें तो plant का जो specific part है it shows the movement of curvature in plant body. Movement of curvature means plant के stem की specific bending हमें light की तरफ नजर आएगी, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट बॉडी फोटोट्रॉपिक टाइप का मूवमेंट शो करती है. हियर वी आर टेकिंग हियर एन एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी ए डार्क रूम इज देयर और वी कैन से द डार्क बॉक्स जो चारों तरफ से बिल्कुल ब्लैक है बट हैव अ होल ऑन वन फेस. एक फेस पर इसमें एक होल बना हुआ है एंड दैट होल इज द सोर्स ऑफ सनलाइट टू एंटर इन बॉक्स. इस बॉक्स में सनलाइट के एंटर करने का एकमात्र सोर्स ये बॉक्स रहेगा. जैसे हम बात करते हैं कि बाहर सनलाइट है तो उस सनलाइट की जो रेज है वो इस होल से इस डार्क बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे. और इस बॉक्स में हमने क्या लिया है, एक प्लांट, पॉटेड प्लांट है, हेल्दी पॉटेड प्लांट, उसको यहाँ पर पॉट किया हुआ है. यहाँ एक हेल्दी पॉटेड प्लांट है. तो जब हम इस हेल्दी पॉटेड प्लांट को इस डार्क बॉक्स में रखते हैं और इसे कहीं भी किसी भी साइड से स्पेसिफिक सनलाइट प्रोवाइड नहीं की जाती तो ये सिर्फ एक होल ही क्या करेगा, इसे स्पेसिफिक सनलाइट प्रोवाइड करेगा. और जैसे ही ये सन की रेज इस होल से अंदर आकर इस प्लांट के ऊपर पड़ती हैं तो रिजल्ट क्या होता है कि जैसे ही प्लांट के ऊपर सनलाइट गिरती है तो प्लांट की जो टिप होती है, दिस इज द टिप, सपोज दैट दिस वन इज द कर्वेचर, और इस कर्वेचर की ये जो टिप होती है इस टिप पर एक स्पेसिफिक मेरिस्टेम है जिसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. इस एपिकल मेरिस्टेम में एक स्पेसिफिक फाइटो हॉर्मोन की प्रोडक्शन होती है दैट इज नेम्ड एज ऑक्सिन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सिन नाम का हॉर्मोन प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम पर नेचुरली प्रोड्यूस होता है विद इफेक्ट और यू कैन से इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सनलाइट. में जैसे ही सनलाइट प्लांट के टिप पर गिरती है तो प्लांट नेचुरली क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम में ऑक्सिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. अब जब सनलाइट इस सोर्स से प्लांट के टिप पर गिर रही है तो प्लांट की टिप क्या कर रही है, ऑक्सिन को फॉर्म कर रही है. लेकिन इस डार्क बॉक्स में रखे हुए प्लांट पर जो ऑक्सिन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, देखिए प्लांट में बनने वाले ऑक्सिन का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा शेडी पार्ट में. जैसे ये प्लांट का ये वाला जो फेस है ये डायरेक्ट इस होल से आने वाली सनलाइट को रिसीव कर रहा है, लेकिन जो ये बैक साइड है इट इज शेडी.
इस पर शेड है, इस पर छाया है, जिसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है। तो प्लांट की टिप पर बनने वाला ऑक्सीजन शेडी पार्ट में हमेशा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिस साइड पर लाइट कम है, सॉरी ज्यादा शेडो नहीं है, ज्यादा लाइट आ रही है, उस पार्ट पर जो ऑक्सीजन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि इस पार्ट में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हेन द ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉज पेंडिंग ऑफ कर्वेचर टुवार्ड्स सनलाइट। और फिर रिजल्ट क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा जमा होगा, ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, देन इट विल कॉज द बेंडिंग ऑफ कर्वेचर टुवार्ड्स द सनलाइट। सनलाइट का सोर्स इधर है, तो इस कर्वेचर, फिलहाल ये कर्वेचर बिल्कुल स्ट्रेट है बिकॉज सनलाइट अभी इसकी टिप के ऊपर आ रही है, लेकिन जैसे ही शेडी पार्ट में एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, देन एक्यूमुलेशन कॉज द बेंडिंग ऑफ कर्वेचर, और वो सनलाइट की तरफ बेंड करेगा। अगर हम इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें और प्लांट रेगुलरली यहां से सनलाइट को ऑब्जर्व करे, तो हमें क्या चेंज नजर आएगा कि जो प्लांट की ये टिप है, इट विल बेंड टुवार्ड्स द सनलाइट एंड स्टार्ट्स इट्स ग्रोइंग, और ये जो प्लांटलेट है ये इस तरीके से शेडो वाले हिस्से को बेंड करते हुए सोर्स ऑफ सनलाइट की तरफ मुड़ जाएगी। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द सनलाइट, एंड व्हाई दिस अकर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द नेचुरल अकरिंग हॉर्मोन produced at the tip of the stem in apical meristem by the sunlight, and it shows the curvature of movement towards the sunlight. Now there are two types of responses: positive phototrophic movement and negative phototrophic. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मीन्स प्लांट का कौन सा पार्ट स्पेसिफिकली स्टिमुलस की तरफ मूव किया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्लांट में जो स्टेम पार्ट है, दैट इज एरियल पार्ट, इट मूव्स टुवार्ड्स द सनलाइट, सो वी कैन से दैट इन दिस प्लांट द स्टेम इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड दीज रूट्स मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट बिकॉज दे आर अंडरग्राउंड, सो द रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सेकेंड वन इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। दिस जियोट्रॉपिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट मूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसे भी हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के हेल्प से स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हेयर अ फ्रेश पॉटेड प्लांट, ये एक हमने फ्रेश पॉटेड प्लांट लिया, और इस प्लांट में फिलहाल हम इसे स्टेबल बनाए हुए हैं, इसे सिंपली रखा हुआ है, लेकिन अगर हम इस प्लांट को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें, तो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट में देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस हेल्दी पॉटेड प्लांट को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट। कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे कि इस प्लांट में कर्वेचर मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो वो जो कर्वेचर मूवमेंट है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम एक सनलाइट का सोर्स देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट का इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी
सनलाइट प्लांट को नॉर्मली मिल रही है, तो प्लांट में प्रोड्यूस जो ऑक्सीजन है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में भी हेल्प करेगा। देखिए कैसे कि इस सनलाइट का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो प्लांट की इस टिप के ऊपर आ रहा है। अगेन ये टिप क्या करेगी, इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन हार्मोन, ये ऑक्सीजन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। जब इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो जैसे हमने फोटोट्रोपिज्म में बात किया था कि इस प्लांट पर टिप पर सनलाइट गिर रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, बट जो ये वाला जो साइड है अबव ऊपर वाली, इसको प्लांट की जो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है इट इज इन शेड, ये शेड में है, इसको सनलाइट अवेलेबल नहीं हो रही। तो क्या होगा, देयर विल बी द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, और यहाँ पर फिर से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और शेडी पार्ट में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन लोअर साइड पर ज्यादा है, अगेन द ऑक्सीजन विल कॉज द बेंडिंग ऑफ कर्वेचर अपोजिटली, तो और वो बेंडिंग ऑफ कर्वेचर स्टार्ट करेगा और रिजल्ट हमें क्या दिखाई देगा, दिस इज द अगेन वी आर टेकिंग द पॉटेड प्लांट, यहाँ पर हमने देखा कि नीचे की तरफ ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, तो प्लांट लेट का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। दिस इज द प्लांट लेट जो अपोजिट मूव करेगी एंड इट्स रूट विल मूव डाउनवर्ड, और जो उसकी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ बेंड कर जाएंगे ड्यू टू द एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, कि यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसने इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि दो मूवमेंट हो रहे हैं, एक ग्रेविटी की साइड और एक लाइट की साइड, बेसिकली हम यहाँ दो एक्टिविटीज एक साथ देख रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट एंड पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट, विथ दीज टू there will be the negative geotropic also and negative phototropic also, two types की movement हम इस plant में देख सकते हैं due to the production of the oxygen। क्या effect है देखिए, जब हम positive geotropism की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि gravity downward है और उस downward gravity की तरफ plant की roots move कर रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, positive जियोट्रोपिक, मीन्स प्लांट रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रोपिक, बट ये अवे फ्रॉम द सनलाइट मूव कर रहे हैं, सो दे आर नेगेटिव फोटोट्रोपिक बिकॉज लाइट से दूर जा रही है। सेकेंड थिंग, जब हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लांट का जो एरियल पार्ट है दैट इज स्टेम, वो क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक है जो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, और इसी के साथ नेगेटिव जियोट्रोपिक भी यही है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है लेकिन ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रोपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रोपिक है एंड द रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रोपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिक मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, और यह हम कहे कि वो ऑब्जर्व, हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जियोट्रोपिक मूवमेंट, कि हम इन दोनों मूवमेंट्स को किस तरीके से एक्टिविटीज की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग ट्रॉपिक मूवमेंट्स।